नमस्कार। सूर्य राशि परिवर्तन पार्ट वन तो आप सुन ही चुके हैं, मेष से लेकर के कन्या तक, और यदि नहीं सुना तो मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल है। आज पार्ट टू में बड़ी धमाकेदार रूप में प्रेडिक्शन की शुरुआत करेंगे। जो तुला से लेकर के मीन राशि के दर्शक अभी बचे हुए हैं इस पार्ट में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ज्योतिष का जो ट्रांजिट है ये तो डे बाय डे होता ही रहता है, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। कुछ राशि जब मैं फल बताता हूँ तो उनमें मैं खुद बहुत ऊर्जावान होता हूँ, किसी किसी में मैं खुद बहुत डाउन हो जाता हूँ। तो ये एक ग्रह गति है और ग्रहों का ही प्रभाव है सारा का सारा। अब मेरे को इस समय सूर्य मंगल की युति से खुद भी एक बहुत विल पावर, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कॉन्फिडेंस बहुत एक करोड़ों लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि एक राजा दूसरा सेनापति, एक में साहस पराक्रम, दूसरा तो खुद ही भरपूर है सभी कलाओं से। राजा में तो सारी क्वालिटी होती हैं। अब ये दोनों ग्रह कन्या राशि में, मंगल पहले से ही चल रहे हैं और सूर्य देव आज आधी रात में गोचर कर जाएंगे और फिर 17 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत बड़े बदलाव आप महसूस करेंगे। और इनफैक्ट 22 सितंबर तक तो सूर्य मंगल और बुध तीनों एक साथ हैं, और कन्या राशि में ही बुध हैं, बुध अपने घर में हैं और बुध के घर में फिर सूर्य मंगल हैं। तो किस प्रकार से घटनाएं घटेंगी ये आपको बताऊंगा। इस दुनिया में आपको सर्वाइव करना है तो आप दो ही तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक नाम कमाना है तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। आपको एक नाम कमाना है, एक बड़े स्तर पर पहुंचना है, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा और आपको एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा, अपने दम पर आगे बढ़ना होगा, तो ही सामने दुनिया आपको सलाम करेगी। दूसरा ये है कि आप चाटुकारिता करें, दूसरा ये है कि आप दबके रहें। दो ही प्रकार है। किसी के ख्वाब होते हैं कि मेरे को नाम कमाना है, सम्मान कमाना है, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। कोई ये कहता हमारी तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है नहीं, साधारण जीवन अपना आराम से निकल जाए शांति से। इसलिए मित्रों, ये जो सूर्य और मंगल है शांति से जीवन निकलने नहीं देते। अगर ये एक ही राशि में बैठे हों तो ये इंसान को प्रेरित करते हैं रह करके आगे बढ़ने की। आप मना करेंगे मेरे को ये काम नहीं करना, मेरा मन ही नहीं है करने, मन नहीं है, पर अंततः फिर भी उस काम में उलझ जाएंगे। आप बोलेंगे यार मेरे को इसके पछड़े में नहीं पड़ना, इसका तो डेली का काम है, ये तो ऐसे ही काम करता है गलत, फिर भी उसमें घुस जाएंगे, चलो मैं करता हूँ। तो ये जो क्वालिटी होती है जन, लीडरशिप क्वालिटी, ये कुछ ही लोगों में होती है, चुनिंदा लोगों में होती है। और सूर्य मंगल की यदि युति हो, सूर्य गुरु की यदि युति हो, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। तो आइए वीडियो को आप विषय प्रारंभ करते हैं। 17 से 20 तक मुंबई में रहूँगा सितंबर में। आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं कुंडली बनवाने दिखाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फॉलो भी करें। और दोस्तों, 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, आपको लगेगा आज गुरुजी वीडियो को लंबा खींचने के चक्कर में है। मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता, पर आदत है गहराई के साथ में बताने की। और सबसे पहले तुला राशि की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं, इसके मित्र नहीं हैं सूर्य, शत्रुता रखते हैं सूर्य। दूसरी चीज, मंगल पर मित्रता रखते हैं तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ में, और बुध भी मित्रता रखते हैं। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि ये 12वें भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, बुध भी 12वें भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर इनका रहना 12th हाउस में ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एक तो 12वां भाव ऐसे ही खर्च का हो गया, और इस खर्च के घर में सूर्य जैसा साहसिक और पराक्रमी ग्रह यदि बैठ जाए तो ये उच्च कोटि के जो खर्चे हैं उनको कराता है, आँखों से संबंधित कष्ट देता है, आपको गलत चीज़ों में फंसा देता है, ऐसी परिस्थितियों का बनाता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप बहुत बुद्धिमान भी हो जाएंगे, वो बात अलग है कि आपको लाभ भी अच्छा देगा, वो बात अलग है कि आपकी विख्यात भी आप होंगे, तीव्र बुद्धि के भी होंगे, पर पैसा नहीं टिक पाएगा, दाम्पत्य सुख में कमी होगी, धन आएगा नो डाउट पर दूसरे हाथ से चला जाएगा, ऐसा भी एक फल यहाँ पर रहेगा। बट अच्छी बात यह है कि ये बात तो रही सूर्य मंगल के, सूर्य के परिवर्तन की 12वें स्थान में, बट आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं
वो स्वयं बहुत बलवान सिचुएशन में है, वो खुद एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, वो खुद ही अकेले मैनेज कर रहे हैं आपकी कुंडली को, वो कह रहे हैं मुझे नहीं है जरूरत सूर्य की, मुझे नहीं है जरूरत मंगल की, मैं अकेला अभी इस समय एक साल बाद मालव्य नाम का राजयोग बना करके आया हूँ, मुझे खुद काम करने दीजिए, मेरे को कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। या आप खुद बहुत मजबूत हों तब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दम पर कार्य को कर लोगे, अगर आप खुद कमजोर हो तो आपको किसी का सहारा चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं वो खुद ही इतने मजबूत हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को इतना गंभीरता से नहीं सोचेंगे, अपने दम पर काम करेंगे। धनु राशि, वृश्चिक राशि डिस्प्ले में आ चुकी है, आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो हैं मंगल, और मंगल स्वयं यहाँ पर सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं कि राजा साहब मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ, आप आ गए हैं तो आपका तो मुझे स्वागत करना है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप बताइए क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर सूर्य बोलेंगे कि मैं कर्म का स्वामी हूँ, मैं सरकारी नौकरी का स्वामी हूँ, मैं मेहनत का स्वामी हूँ, मैं मेहनत से परिश्रम से आगे बढ़ाऊँगा, मैं मेहनत से परिश्रम से आपको ट्रांसफ़र प्रमोशन दूंगा, ऐसी जो परिस्थितियों का निर्माण वो सूर्य के द्वारा होगा, मंगल के द्वारा होगा। आपकी स्वयं राशि के स्वामी मंगल लाभ स्थान में, आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य वो लाभ स्थान में, और लाभ के स्वामी बुध वो लाभ के घर में, इससे अच्छा योग हो नहीं सकता। मतलब अगर वृश्चिक वाले अभी 17 अक्टूबर तक अच्छे से मेहनत कर लें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, आपको उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, आपका इंटरव्यू सफल हो जाएगा, आपकी विचार शक्ति मजबूत होगी, आपके निज पुरुषार्थ में उन्नति होगी, और साथ में आपको पैतृक पक्ष से लाभ पहुंचेगा। बड़े भाई बहनों से जरूर यहाँ पर तनाव बनेगा, पर व्यापारिक यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, आनंद में रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ये परिवर्तन शुभ है, अशुभ बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। तो जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, पहले एक बार डिस्प्ले में राशि आए, उसके बाद फिर यहाँ पर फल को प्रारंभ करते हैं। राशि आ चुकी है धनु के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो स्वयं नीचभंग राजयोग बना करके दूसरे स्थान में चल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और मंगल कैरियर के घर में, और सूर्य के पास जो जिम्मेदारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आपके भाग्येश हैं। भाग्येश का कर्म भाव में आना, बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी चल रहा है, ये भी बड़ा सुंदर राजयोग होता है, और मंगल आपकी बुद्धि के स्वामी होकर के एजुकेशन पद प्रतिष्ठा के स्वामी होकर कर्म भाव में है, और ये सूर्य मंगल पूरे महीने यहीं रहेंगे और नेक्स्ट महीने भी यहीं रहेंगे 17 अक्टूबर तक। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको तो बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, आपके तो कर्म, आप तो जो जितने भी IAS IPS मंत्री मिनिस्टर गवर्नर उच्च पदों पर बैठे हैं, बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। दवाई के जो इतने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा कंपनियां, उनके लिए बहुत अच्छा है, सुनहार के लिए बहुत अच्छा है, ज्वेलरी वालों के लिए तो विशेष रूप से अच्छा है क्योंकि कर्म भाव में यहाँ पर बैठे हैं। तो दशम भाव की जो शुभता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपकी उच्च प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपका पद बढ़ जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, आपका जो पिता का सुख है वो बढ़ जाएगा, आपके पिता के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा, आप बहुत अनुशासन प्रिय हो जाएंगे, अपने कार्य के प्रति आपकी ललक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको भूमि का, मकान का, ज़मीन का, जायदाद का लाभ मिलेगा, आपको पैतृक संपत्ति में चलने वाले डिस्प्यूट से दूरी बनेगी, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है धनु राशि के दर्शकों के लिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी बन रही है और शुभ रूप में बन रही है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा समय है, यदि कोई इस टाइम पीरियड में आपका इंटरव्यू है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको लाभ मिल जाएगा, आपके काफ़ी अच्छे उन्नति के जो मार्ग हैं वो बन जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि मकर राशि रहेगी। मकर के जो जातक हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ कि शनि ने, गुरु ने और शुक्र ने पहले से ही 3-3 वरदान राजयोग के रूप में दे रखे हैं। जी हाँ, 3 वरदान राजयोग के रूप में, अब इस और क्या चाहिए आपको। अब ऐसे में आपके सूर्य मंगल भी भाग्य में आ गए, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी मेरे को भी सुन रहे हैं दर्शक और मकर राशि के, उनके लिए किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है।
पहली चीज स्वास्थ्य को लेकर के जरूर चिंता है, सुख साधनों को लेकर के नहीं है, आपके भाग्य को लेकर के नहीं है, आपके जो काम अभी रुके हुए हैं, जो बिगड़ रहे हैं, जो हो नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर के नहीं है। आपकी जो इच्छाएं हैं, मन वांछित इच्छाएं जो आप चाहते हैं पूरी हों और पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं है। भाग्य स्थान में तो सूर्य मंगल बैठते हैं तो जबरदस्त लाभ दे देते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। बस ये है कि हाँ, सूर्य रोगेश जरूर हैं तो स्वास्थ्य पीड़ा भी साथ में आती है। अब वो तो देखिए जीवन का चक्र है, क्रम है, इसलिए जिनको हार्ट की, पेट की, हृदय की हड्डियों से संबंधित रोग चल रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप कुछ सेल परचेज करना चाहते हैं तो उस नज़रिए से आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और थोड़ा सा ईगो पर नियंत्रण रखना आप, क्योंकि आप में बहादुरी, निडरता, स्वाभिमान, प्रभावशाली कुछ इस प्रकार की जो सोच है वो यहाँ पर बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देवी देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्तिभाव भी आपका बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। कुंभ के दर्शकों, आपकी जो सिचुएशन है उसके अनुसार विशेष रूप से जो फल रहेगा, पहली चीज कि 8th हाउस में ये सूर्य और मंगल जाएंगे। अब अष्टम भाव आप जानते हैं रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव का होता है, बीमारियों का होता है। इस घर में सूर्य का, मंगल का और बुध का रहना यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, कार्यों में जो अड़चने चल रही हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है उस दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। आपके भाग्य स्थान पर शुक्र बैठे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, सिर्फ एक ये यहाँ पर संकट मोचक की भूमिका में है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। केवल एक ये ग्रह आपके लिए संकट, क्योंकि ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके सुख को लेके और आपके भाग्य को लेकर के भाग्य के ही घर में बैठा है। इसलिए 2 अक्टूबर तक तो शुक्र संभाल लेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जिनको बवासीर की प्रॉब्लम या रक्त से संबंधित विकार, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ये भी कहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मीन। मीन के जितने भी जातक हैं उनकी ग्रह गति के अनुसार सप्तम भाव पर, जी हाँ, 7th हाउस पर आपके 6th भाव के स्वामी रहेंगे। यहाँ पर डबल मंगलिक दोष बनेगा। बुध का भद्र नाम का राजयोग 22 तारीख तक है, 22 तारीख तक तो काफ़ी अच्छा है समय, इसके बाद थोड़ी सावधानी बरतनी है। चतुर बुद्धि के हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर में भी इस प्रकार के गुणों का जो समावेश है वो होगा, आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आप में कामुकता की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ेगी, तर्क वितर्क यहाँ पर बढ़ेगा जीवन साथी के साथ या व्यापारिक पार्टनर के साथ में, स्वास्थ्य में कमी आएगी, व्यवसाय में एवं जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें संघर्ष और कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने का योग बनेगा, और स्त्री के साथ वैमनस्य जैसी जो स्थिति है वो बनेगी, स्वास्थ्य ठीक ना रहना ऐसी समस्या फेस करनी पड़ सकती है, और पारिवारिक सुख में कमी, ये चीज़ें होंगी। धन आएगा जैसा मैंने बोला अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात। तो दोस्तों ये है यहाँ पर तुला से लेकर के और मीन राशि तक का फल। 17 से 20 तक मुंबई में हूँ, आप मुझे मिल सकते हैं कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899888433 7011805461। दर्शकों, आप सभी